हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं इंटीग्रेशन की एक और टेक्निक के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं, जिसको हम बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। देखिए, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो अभी तक हमने मेथड किए हैं कि डायरेक्ट कोई फार्मूला लगाएं तो भी वो नहीं होगा, अगर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड भी वहाँ पर यूज़ करें तो तब भी हमें उसे करने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको इस मेथड से करने हैं, तो वो हमें समझना है कि भाई किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर आपको इस तरीके के मेथड से करने हैं। कभी कभी ऐसा भी होगा कि कुछ क्वेश्चंस आप देखोगे तो वो सब्स्टिट्यूशन से भी हो सकते हैं, इससे भी हो सकते हैं। तो जहाँ पर आपको ऐसा लगे, तो जो मेथड आपको उस समय आसान लगता है, तो उस मेथड से आप उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ये जो पार्शियल फ्रैक्शन, जैसे कि नाम है कि पार्शियल फ्रैक्शन, तो जो फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस होते हैं, जो फ्रैक्शन वाले फंक्शंस होते हैं, ये उसमें ही आपको यूज़ करना है। ठीक, अब एक तो आपके पास प्रॉपर एल्जेब्रिक फंक्शन होगा या फिर इम्प्रॉपर एल्जेब्रिक फंक्शन होगा। अगर यहाँ पर आपको इस तरीके से दिया हुआ है कि कोई दो फंक्शन आपको ये रैशनल एल्जेब्रिक फंक्शन दिए हुए हैं, तो हमें यहाँ पर इसको क्या करना है, चेक करना है कि भाई पहले ये इम्प्रॉपर है या प्रॉपर है। अगर ये इम्प्रॉपर हुआ तो आपको क्या करना है, इम्प्रॉपर का मतलब क्या होता है कि जो ऊपर वाला फ्रैक्शन है उसकी जो डिग्री है वो नीचे वाले से या तो ज़्यादा होगी या उसके बराबर होगी। डिग्री ऑफ एफ एक्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू डिग्री ऑफ जी एक्स। अगर ऐसा होता है तो हम क्या करेंगे, एफ एक्स को जी एक्स से डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद जो भी आपका रिजल्ट आएगा उसको आप इस फॉर्मेट में लिख लेंगे। जैसे हमने पिछले एक्सरसाइज में भी कुछ क्वेश्चंस किए थे जिसमें हमने ऐसे लिखा था, क्वेश्चन प्लस में रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवाइजर, तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, इन टर्म ऑफ फंक्शंस लिखी हुई है, क्वेश्चन प्लस में रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवाइजर। ठीक है, अगर क्वेश्चन आपको यहाँ पर ऑलरेडी प्रॉपर फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो आपको ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है, ये जो क्यू एक्स आ रहा है इसकी यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ यही आपके पास फंक्शन होगा। तो आपने डिवाइड कर लिया, भाई डिवाइड करके आपने इस तरह से कन्वर्ट कर लिया। अब इस तरह से जब आप कन्वर्ट करोगे तो जो ये क्यू एक्स आएगा ये तो प्रॉपर एक पॉलिनोमियल आ जाएगा, जिसका आप डायरेक्टली इंटीग्रेशन कर सकते हो। अब रह गया ये वाला पार्ट जो फ्रैक्शनल पार्ट है इसका, उस फ्रैक्शनल पार्ट के लिए क्या करना है, आपको जो डिनोमिनेटर है उसके फैक्टर करने हैं, डिनोमिनेटर के फैक्टर करने हैं। फैक्टर करने के बाद उसको रियल फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है। अब जब आप रियल फैक्टर उसमें कन्वर्ट करोगे तो तीन तरीके से उसमें फैक्टर आपके आ सकते हैं, कौन कौन से, या तो लीनियर होगा, नॉन रिपीटेड होगा, लीनियर रिपीटेड हो सकता है, या फिर क्वाड्रेटिक नॉन रिपीटेड होगा। ये तीन तरीके के फैक्टर आपके पास आएंगे। अगर हम इस टेबल को ध्यान से समझें तो अगर मैं इसकी बात करूँ लीनियर नॉन रिपीटेड, तो यहाँ पर देखो ये दोनों फैक्टर जो हैं एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, ये दोनों लीनियर हैं। लीनियर का मतलब एक्स की जो डिग्री है, एक्स की जो पावर है वो वन होनी चाहिए, और ये दोनों के दोनों नॉन रिपीटेड है, मतलब डिफरेंट है, ए और बी दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो एक तो इस तरह का फैक्टर हो सकता है अगर रिपीटेड की, और दूसरी बात ये है कि ये वाला जो फैक्टर है सेकेंड वाला, ये भी इसी टाइप का है, इसमें दो की जगह तीन फैक्टर बन गए, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। ठीक है, लीनियर रिपीटेड, रिपीटेड कैसे आएगा, इस तरह से x माइनस ए का होल स्क्वायर। जैसे यहाँ पर अगर x माइनस ए होता, यहाँ भी x माइनस ए होता, तो हम उसको कैसे लिख देते, x माइनस ए का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर हो रहा है, दैट मीन्स वो फंक्शन रिपीट हो रहा है वहाँ पर। और इस वाले फंक्शन में ऐसे भी हो सकता है कि आपके जो फैक्टर बने, एक फैक्टर आपका रिपीटेड आ रहा है, दूसरा फैक्टर एक अलग ही आ रहा है, मतलब वो नॉन रिपीटेड है, तो दोनों का कम्बिनेशन भी हो सकता है। और तीसरा टाइप आ गया आपके पास क्वाड्रेटिक नॉन रिपीटेड, कि आपके पास जो फैक्टर है क्वाड्रेटिक फैक्टर बनेगा, इसको और स्प्लिट आप करना चाहोगे लेकिन कर नहीं पाओगे, तो इसलिए ये फैक्टर क्वाड्रेटिक रहेगा, इसके साथ दूसरा फैक्टर हो या नहीं हो वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर। तो आपको ये टेबल को एनालाइज करना है, टेबल को समझना है, टेबल से अगर आपके पास रैशनल फंक्शन इस टाइप में आता है तो उसको आप पार्शियल फ्रैक्शन में इस टाइप से कन्वर्ट करेंगे। जैसे अगर यहाँ पर ये दो फैक्टर आ रहे हैं, नीचे वाले की डिग्री हमेशा ऊपर वाले से ज़्यादा होगी, हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि हम उसको बनाए उसी तरीके से रहे हैं। अगर वो नहीं होगी तो हम पहले हमें उसको बनाना पड़ेगा, बनाने के बाद फिर हम इस पर आएंगे। तो यहाँ पर जो आपके पास ये दो नॉन रिपीटेड फैक्टर आए, इन दोनों को आप किस तरह अलग अलग स्प्लिट करके लिखेंगे, ऐसे a अपॉन x माइनस ए प्लस बी अपॉन x माइनस बी। अब ये जो कैपिटल a और कैपिटल b आ रहा है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, इसकी वैल्यू निकाल कर यहाँ पर पुट करनी है, फिर उसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, अगर तीन फैक्टर होंगे तो यहाँ पर तीन वेरिएबल आ जाएंगे आपके पास, a b c, इन तीनों की वैल्यू आपको निकालनी है। अगर फैक्टर रिपीटेड आता है, फैक्टर अगर रिपीटेड आता है तो क्या करना है आपको, एक बार लिखेंगे आप a अपॉन में x माइनस ए, दूसरी बार लिखेंगे b अपॉन में x माइनस ए का होल स्क्वायर। क्लियर, यहाँ पर ये वाली टर्म दोबारा आ रही है,
विद स्क्वायर। तीसरे फैक्टर में आपके पास x माइनस ए का होल स्क्वायर आ गया यहाँ पर और x माइनस बी, तो जो x माइनस ए का होल स्क्वायर है उसको आप ऐसे ब्रेक करेंगे x माइनस ए का होल स्क्वायर और c अपॉन में x माइनस बी। अब उसके बाद यहाँ पर पी एक्स स्क्वायर क्यू एक्स प्लस में r डिवाइडेड बाय ये फंक्शन आ गया आपके पास। ये वाला जो फैक्टर है ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है, तो जब फैक्टर क्वाड्रेटिक होगा तो उसको जब आप रैशनल पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो क्या करना है, यहाँ पर अगर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आ रहा है तो उसके ऊपर जो आपको फंक्शन लेना है वो इस तरीके से लीनियर में लेना है, बी एक्स प्लस सी। यहाँ पर बी और सी दोनों की वैल्यू आपको निकालनी होगी और ये वाला जो लीनियर था एक्स माइनस ए उसके ऊपर एक वेरिएबल आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको इस टेबल को समझना है, टेबल को समझ के इस तरीके से इसे कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करने के बाद फिर आपको उसको इंटीग्रेट करना है। अभी थोड़ा सा आपको लग रहा होगा यार टेबल है, टेबल को याद करना पड़ेगा, फिर कैसे करेंगे, ए बी सी कैसे आएगा, सब अभी डिस्कस करेंगे। कुछ इसके मैं एग्जांपल्स कराने वाला हूँ अभी, ताकि आपको ये पार्शियल फ्रैक्शन मेथड जो है वो अच्छी तरह क्लियर हो जाए। एग्जांपल के साथ फिर हम इसके बाद इसमें एक स्पेशल टाइप के पार्शियल फ्रैक्शन भी करेंगे जिसको आप डायरेक्टली याद करेंगे और डायरेक्टली याद करके सीधे आप उसके आंसर अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपके पास ये जो दो फैक्टर दिए हुए हैं, दो लीनियर फैक्टर दिए हुए हैं, जब दो लीनियर फैक्टर आपको दिए होंगे तो आपको इसको किस तरह से स्टार्ट करना है, आपको पुट करना है इस पूरे फ्रैक्शन को 2x+1 x+1 x-2 = a अपॉन x+1 प्लस में b अपॉन x-2। ठीक है, इस पूरे फ्रैक्शन को आपने इस तरीके से कन्वर्ट कर लिया, हमने ये कह रहे हैं कि ये जो चीज़ है ये इसके बराबर है। अब ये यहाँ पर जो कैपिटल ए और कैपिटल बी आ रहा है इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अब इसकी वैल्यू फाइंड करने से पहले हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड पे हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेके आप देखोगे तो x+1 x-2 ये आ गया, ए को आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे ए इंटू x-2, बी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे x+1। जो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड में कुछ नहीं करना आपको, जैसा है वैसे का वैसे ही लिख देना है। अब यहाँ पर दोनों का जो एलसीएम है, दोनों का डिनोमिनेटर है, दोनों का सेम है। अब डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो इसको आप कैंसिल कर दो। अब यहाँ पर आपके पास जो टर्म आ गई 2x+1, इधर से मल्टीप्लाई कर दो ax-2a प्लस में bx+b। अब दोनों जो यहाँ पर साइड हैं, दोनों साइड हैं LHS और RHS, उन दोनों को आपको क्या करना है, कंपेयर करना है आपस में। नाउ कंपेयरिंग बोथ साइड्स, कंपेयर हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हम ए की और बी की वैल्यू फाइंड कर सकें। अब कंपेयर कैसे करना है, यहाँ पर आपको एक्स का कोफिशियंट देखना है। एक्स का कोफिशियंट यहाँ पर आपके पास क्या है, 2 है। राइट हैंड साइड में एक्स के कोफिशियंट क्या है आपके पास, ए है और यहाँ से प्लस बी है, तो आपके पास एक इक्वेशन ये बन गई। अब उसके बाद देखो कि जो कॉन्स्टेंट है उसके कोफिशियंट आपके पास क्या है, कॉन्स्टेंट का इधर 1 है, इधर से कॉन्स्टेंट देखोगे तो -2a प्लस में बी, ये बन गया आपके पास सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को आपको सिंप्लीफाई करना है, कोई सा भी मेथड आप यूज़ करो या वर्बली करो, जैसे भी करो, हमें ए और बी की वैल्यू सही सही फाइंड करनी है। तो यहाँ पर ये जो आपके पास इक्वेशन है ये लिख दी मैंने ऐसे ही, यहाँ से ये लिख दी, साइन चेंज कर दिए ताकि मैं इसमें एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर सकूँ। यहाँ से 1 आ गया, इधर 3 आ गया, तो ए की वैल्यू आ गई 1/3। अब ए की वैल्यू आप यहाँ 1/3 डालोगे, इधर 2 में से माइनस करोगे तो बी की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 2-1/3 यानी 5/3। अब ए भी आ गया हमारे पास, बी भी आ गया हमारे पास, तो ये जो इंटीग्रेशन था ये क्या बन गया, अब आपके पास ये इंटीग्रेशन हमारे पास ये पूरा था, ये पूरा हमने किसके बराबर पुट किया था, इसके बराबर पुट किया था। तो ए की वैल्यू हमारे पास है 1/3, तो 1/3 अपॉन में x+1 ऐसे लिख देंगे, बी की वैल्यू 5/3 अपॉन में x-2 dx। अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, इसमें से 1/3 कॉन्स्टेंट है, इसको मैं बाहर ले लेता हूँ, तो 1/3 बाहर आ गया, ये आ गया 1 अपॉन में x+1 dx, इसको अलग कर देते हैं, और ये प्लस 5/3, इसको भी बाहर ले लिया, 1 अपॉन x-2 dx। अब दोनों फंक्शन अलग अलग बिल्कुल सिंपल फंक्शन में कन्वर्ट हो गए। अब आप इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली कर सकते हो, क्योंकि नीचे वाले का एग्जैक्ट डेरिवेटिव आपके पास ऊपर है। x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1, तो 1 आपके पास ऊपर है, तो आंसर आ गया आपका लॉग में 1/3 log x+1, और ये आ जाएगा 5/3 log x-2 प्लस सी, ये आपका आंसर आ जाएगा। आप इसको यहीं पर ही छोड़ सकते हैं। क्लियर होगी बात, समझ में आई। अगर यहाँ पर
जैसे इस क्वेश्चन में आपको तीन फंक्शन दिए हुए हैं, तीनों के तीनों नॉन रिपीटेड हैं, तो इस क्वेश्चन को जब आप करेंगे तो इसमें जैसे आपने यहाँ पर ए बी लिया है तो उसके साथ में आपके पास सी हो रहा है। इस फंक्शन को जब आप स्टार्ट करोगे तो यहाँ पर आपको पुट करना है 2x-1 अपॉन में x-1 x+2 x-3 इज इक्वल्स टू a अपॉन x-1 b अपॉन x+2 एंड c अपॉन में x-3। अब फिर वही काम करना है, आपको एलसीएम लेना है राइट हैंड साइड में, तो एलसीएम आ गया आपके पास x-1 x+2 और x-3। यहाँ से आ जाएगा a के साथ इंटू होगा x+2 और x-3, b के साथ इंटू होगा x-1 x-3 और c के साथ इंटू हो जाएगा x-1 x+2। ये आपके पास कट गया, कटने के बाद अब ये आपके पास बच रहा है। अब जैसे पिछले क्वेश्चन था उसमें हमने क्या किया था, हमने इन दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई कर लिया था, मल्टीप्लाई करने के बाद फिर हमने कंपेयर किया था। तो एक मेथड तो आपके पास क्या हो गया, कंपेयरिंग का हो गया। एक मेथड और मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ किस तरीके से आप कर सकते हो। हमें जो पर्पस है ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करके करूँगा उससे भी हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा वो लेंथी पड़ेगा। तो इसकी बजाय हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक्स की कोई भी वैल्यू आप पुट कर लो, कोई भी आप वैल्यू पुट कर सकते हो। जो भी वैल्यू पुट करोगे वो LHS में और RHS में सेम आपको रखनी है। तो वैल्यू आप पुट कोई भी कर सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन पुट हमें करनी क्या चाहिए, हमारे क्वेश्चन को थोड़ा सा इजी रखने के लिए वैल्यू हमें पुट करनी क्या चाहिए ये समझना ज़रूरी है, ठीक है। फिर बोल रहा हूँ कि बाउंडेशन कुछ नहीं है, कुछ भी आप पुट कर सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ एक्स की जगह पहले -2। क्यों कर रहा हूँ, उसके पीछे लॉजिक है। क्योंकि जब मैं यहाँ पर -2 पुट करूँगा इस एक्स में, इस ब्रैकेट में, तो ये ज़ीरो हो जाएगा। ये ज़ीरो होने का मतलब है कि ये पूरा पार्ट ज़ीरो हो गया। यहाँ पर पुट करूँगा तो ये पूरा पार्ट ज़ीरो हो गया। तो ए वाला पार्ट ख़त्म हो गया, सी वाला पार्ट ख़त्म हो गया, सिर्फ बी का बचेगा। वहाँ से मेरे पास बी की वैल्यू आराम से निकल जाएगी। तो ये तरीका आपको यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर आपने पुट किया 2-2-1, यहाँ पर पुट करेंगे ज़ीरो हो जाएगा, जैसे अभी समझाया मैंने। यहाँ पर आप पुट करोगे -2-1-3 हो गया, -2-3-5 हो गया और लास्ट में भी ज़ीरो हो गया। तो यहाँ से -4-1-5 आ गया, इधर से +15 हो गया, 15b। अब यहाँ से b की वैल्यू आप निकालोगे तो b की वैल्यू आ जाएगी -1/3। तो डायरेक्टली आपके पास b की वैल्यू निकल गई। अब हम सेकेंड स्टेप में क्या पुट कर दें, अब आप पुट कर दो 3। उससे क्या होगा, ये वाला ज़ीरो हो जाएगा, ये वाला ज़ीरो हो जाएगा, c की वैल्यू निकल जाएगी। तो अब यहाँ भी 3 पुट करेंगे, 2 × 3-1, तो ये ज़ीरो हो गया, b वाला पार्ट भी ज़ीरो हो गया, c वाले के साथ 3-1 2 3+2 5, ये हो गया 6-1 5, यहाँ पर आ जाएगा 10c, यानी c की वैल्यू आ जाएगी 1/2। अब यहाँ पर आप पुट करो x की जगह, अब क्या रह गया, 1 रह गया। 1 पुट करने से ये ज़ीरो हो जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा, तो यहाँ पर आ गया 2 × 1-1, तो a के साथ आ गया 1+2 3 1-3-2, यहाँ पर 1 हो गया, इधर से -6 a, तो a की वैल्यू आ गई आपके पास -1/6। तो तीनों की वैल्यू आ गई। आप ऐसा भी कर सकते हो, दोनों मेथड को कंबाइंड भी कर सकते हो। आपको लग रहा है कि भाई पुट करने से सबकी वैल्यू नहीं निकल रही, किसी किसी क्वेश्चन में हो सकता है कि सबकी वैल्यू ना निकले जहां पर आपको एक्स स्क्वायर की टर्म दे रखी होगी। तो ऐसे केस में आप कंपेयरिंग भी कर सकते हो, एक पार्ट आपने उससे निकाल दिया, दूसरा पार्ट आप कंपेयरिंग से निकाल, तो दोनों को मिक्स करके भी कर सकते हो। अब आपके पास ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू आ गई, तो आपका जो इंटीग्रेशन है वो अब क्या बन गया, ये जो पूरा था हमने इसके बराबर पुट किया था, ए की वैल्यू क्या, -1/6 डिवाइडेड बाय x-1, बी की वैल्यू आई हमारे पास -1/3 x+2, सी की वैल्यू आई 1/2 डिवाइडेड बाय x-3। अब इन सबको फिर आप डायरेक्टली करना चाहो डायरेक्टली कर लो, या पहले अच्छी तरह समझ लो किस तरह अलग अलग करना है। ये अलग हो गया, यहाँ से -1/3 बाहर निकालोगे, ये अलग हो गया, 1/2 बाहर, ये अलग हो गया। सबका अलग अलग इंटीग्रेशन कर देना है। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे आ जाएगा -1/6
लॉग एक्स माइनस वन, क्योंकि नीचे का डेरिवेटिव ऊपर नहीं, ज़रूरी नहीं कि हर बार लॉग ही आएगा, लेकिन ज़्यादातर में लॉग आएगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है। माइनस वन बाय थ्री लॉग एक्स प्लस टू, प्लस वन बाय टू लॉग एक्स माइनस थ्री प्लस सी, ये आपका आंसर आ जाएगा। और एग्जांपल इसके एक दो देखते हैं, इसको रब कर देते हैं और अगला एग्जांपल देखते हैं कि भाई। और तो नॉन रिपीटेड वाले हमारे दोनों टाइप के हो गए, अब हम देखते हैं रिपीटेड में। रिपीटेड में आपको क्या करना है, अगर आपके पास फैक्टर दिया हुआ है थ्री एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन का स्क्वायर इनटू में एक्स प्लस थ्री, तो यहाँ पर जो फैक्टर है कि ये रिपीटेड है, एक्स प्लस वन का स्क्वायर है, तो यानी दो बार आ रहा है। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें जब आप पुट करोगे थ्री एक्स माइनस टू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू में एक्स प्लस थ्री इज इक्वल्स टू ए अपॉन में एक्स प्लस वन। रिपीटेड वाले में कैसे ब्रेक करना है, ए के साथ एक बार एक्स प्लस वन लेंगे और फिर एक बार बी के साथ एक्स प्लस वन का स्क्वायर लेंगे, और सी में आ गया आपके पास सी अपॉन में एक्स प्लस थ्री। इस तरह से ये तीन फैक्टर आएंगे, एलसीएम लो नेक्स्ट स्टेप में। ये आ गया आपके पास एलसीएम, जब आप लोगे तो अब तीनों टर्म को मत लिख देना, ये एक्स प्लस वन है, ये एक्स प्लस वन का स्क्वायर है, तो एलसीएम में एक्स प्लस वन का स्क्वायर आएगा, और यहाँ आ गया एक्स प्लस थ्री। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे, एक एक्स प्लस वन इससे कट जाएगा, तो ए इंटू में एक्स प्लस वन और एक्स प्लस थ्री आ गया, बी इंटू में एक्स प्लस थ्री रहेगा और सी इंटू में एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर आ गया। फिर ये कैंसिल कर दो, अब ये आपके पास टर्म बची है, यहाँ से ए बी सी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब ए बी सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, पुट कर लेते हैं यहाँ भी एक्स की जगह माइनस वन, माइनस वन पुट करोगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा और ये ज़ीरो हो जाएगा, बी की वैल्यू निकल जाएगी। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि थ्री एक्स माइनस टू एक्स की जगह हमने पुट किया माइनस वन, तो इधर से आ गया आपके पास एक्स की जगह, ये तो ज़ीरो ही हो जाएगा तो सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ माइनस वन प्लस थ्री ये आ गया टू बी, इधर से ये ज़ीरो हो गया, तो यहाँ से माइनस थ्री माइनस टू माइनस फाइव इज इक्वल्स टू टू बी, यानी b की वैल्यू आ गई आपके पास माइनस फाइव अपॉन में टू। अब यहाँ पर आप निकालो x की जगह आप पुट कर दो माइनस थ्री, तो ऐसे केस में अब क्या होगा, यहाँ पर x की जगह माइनस थ्री आपने पुट किया, यहाँ से आप पुट कर दो, ये ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर x प्लस थ्री है, ये ज़ीरो हो गया, ये ज़ीरो हो गया, ये बचेगा। अब माइनस थ्री प्लस वन टू हो जाए, माइनस टू हो जाएगा, माइनस टू का स्क्वायर करेंगे फोर, तो यह आ जाएगा माइनस नाइन माइनस टू माइनस इलेवन फोर सी, सी की वैल्यू आ जाएगी माइनस इलेवन अपॉन में फोर, ये हो गया। अब उसके बाद देखो, अब ए की वैल्यू निकालने के लिए और कुछ अगर आप पुट करोगे तो मतलब ज़ीरो तो नहीं होगा, कुछ और भी आप पुट करना चाहो कर सकते हो, वहाँ से आप ए की वैल्यू बी की वैल्यू पुट कर देना, सी की वैल्यू पुट कर देना, ए की वैल्यू आपकी निकल जाएगी, कुछ भी वैल्यू पुट करो, या फिर अगर मैं इसमें कंपेयरिंग यूज़ करूँ तो भी मैं इससे वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, कंपेयर द कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सिर्फ एक ही कर लो, ठीक है, सारे करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, एक्स स्क्वायर नहीं है तो यहाँ पर ज़ीरो आ जाएगा, इधर जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करने के बाद एक्स स्क्वायर आएगा, उसको ए से मल्टीप्लाई करूँगा तो ए एक्स स्क्वायर बनेगा, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट यहाँ से आ जाएगा ए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो ये तो बनेगा ही नहीं, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर आएगा, तो एक कोफिशियंट यहाँ से आ गया आपके पास सी। अब सी की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास है तो आप उसको यहाँ पर पुट करोगे माइनस इलेवन अपॉन फोर, तो ए की वैल्यू निकल जाएगी आपके पास इलेवन अपॉन में फोर। तो इस तरह से आप दोनों का कम्बिनेशन करके भी वैल्यू निकाल सकते हो, डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपको कौन सा मेथड ईजी लगता है। अब ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू आ गई, अब इन तीनों वैल्यूज़ को आप पुट कर दो, यहाँ पर आपके पास इंटीग्रल क्या बन गया, ए अपॉन में एक्स प्लस वन, ए की जगह इलेवन अपॉन फोर अपॉन में एक्स प्लस वन, बी की जगह आपके पास आ जाएगा माइनस फाइव अपॉन टू, माइनस फाइव अपॉन टू और एक्स प्लस वन का स्क्वायर, सी की जगह माइनस इलेवन अपॉन फोर और ये आ जाएगा एक्स प्लस थ्री।
फिर यहाँ पर आप तीनों को अलग अलग कर लो, अलग अलग करके आपके पास बन जाएगा 11/4 वन अपॉन एक्स प्लस वन डी एक्स माइनस 5/2 वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर डी एक्स माइनस 11/4 वन अपॉन एक्स प्लस थ्री डी एक्स। अब इसका और इसका, इन दोनों का तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, इसका भी डायरेक्टली निकल सकता है, लेकिन थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर एक्स प्लस वन का स्क्वायर आ गया। इसको आप ऊपर ले जाओ तो इसका तो मैं डायरेक्टली लिख ही देता हूँ 1/4 लॉग एक्स प्लस वन। इसका अगर हम करेंगे तो अभी मैं इंटीग्रेशन नहीं कर रहा, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं और इसका भी डायरेक्ट हो जाएगा माइनस 11/4 लॉग एक्स प्लस थ्री प्लस सी। अब इसमें से और इसमें से 11/4 कॉमन आ रहा है तो उसको आप इकट्ठा भी कर सकते हो। तो इसको अगर आप इकट्ठा कर देते हो 11/4 यहाँ आ जाएगा लॉग एक्स प्लस वन माइनस लॉग एक्स प्लस थ्री और ये हो जाएगा माइनस 5/2। इसका आप इंटीग्रेशन करते हो तो यहाँ पावर फार्मूला लगा दो, पावर फार्मूला के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वन की पावर एक ऐड करोगे तो माइनस वन डिवाइडेड बाई माइनस वन प्लस सी। यहाँ पर हमने इसको कंबाइन तो कर दिया, कंबाइन करने के बाद ये भी लॉग की प्रॉपर्टी भी आप लगा सकते हो, ये क्या बन गया लॉग ए माइनस लॉग बी। तो जब आप इसको इकट्ठा करोगे तो ये किस तरह से आ जाएगा लॉग ए अपॉन में बी, ये हो जाएगा माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा 5/2। उसको वापस नीचे ले आओ तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वन प्लस में सी, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो रिपीटेड वाले क्वेश्चन को इस तरीके से आपको करना है। अब हम बात करते हैं जिसमें क्वाड्रेटिक फैक्टर आ जाए तो उसको आपको कैसे करना है। अब यहाँ पर देख रहे हो आपके पास दो फैक्टर नीचे दे रखे, पहला फैक्टर तो लीनियर है, एक्स उसमें बाद में है, पहले है, उससे कोई बात नहीं, पावर देखनी होती है। दूसरा फैक्टर एक्स स्क्वायर में है, इसको आप स्प्लिट करना चाहो तो और तोड़ना चाहो तोड़ भी नहीं सकते। तो ये जो फैक्टर आपका आ गया ये क्वाड्रेटिक फैक्टर आ गया, तो इसको किस तरह से आपको स्प्लिट करना है, इसको जब आप पुट करेंगे तो इस तरह से लिखा जाएगा 2x + 3 2 माइनस एक्स एक्स स्क्वायर प्लस थ्री इक्वल्स टू ए अपॉन में 2 माइनस एक्स, जो पहला फैक्टर है लीनियर उसके ऊपर ए आ जाएगा, लेकिन जो क्वाड्रेटिक है उसके ऊपर बी एक्स प्लस सी, दोनों आपको ऐसे लिखने हैं। इस तरीके से इसको ब्रेक किया जाता है। अब फिर यहाँ पर आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद आपके पास यहाँ से आ जाएगा ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री बी एक्स प्लस सी इंटू में 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय, नीचे आपके पास ये आ गया, तो ये तो नीचे कट ही जाना है, तो हर बार कटने कटना है, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखते हैं ये एक्स स्क्वायर प्लस थ्री आ रहा है, अब यहाँ पर x की जगह आप कुछ भी पुट कर लो क्योंकि यहाँ स्क्वायर में आ गया, x की जगह कुछ भी आप पुट करोगे ये जीरो नहीं होगा कभी भी, बस आप x की वैल्यू यहाँ पर जीरो पुट कर सकते हो, यहाँ सॉरी 2 पुट कर सकते हो जिससे ये जीरो हो जाएगा। ये जीरो होने से आपके पास a की वैल्यू तो मिल जाएगी, तो चलो a की वैल्यू तो हम ऐसे ही निकाल लेते हैं, तो पुट कर देते हैं हम x की जगह 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू में 2 प्लस 3, इधर से आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 3 7 और ये तो हो जाएगा 0। तो यहाँ पर आ गया 4 प्लस 3 7 और इधर 7a, यानी a की वैल्यू तो आ गई 1। अब वैल्यू पुट करके x की जीरो तो नहीं कर सकते, आप कुछ और पुट करके उसको सॉल्व कर सकते हो, तो बेटर है कि हम कुछ और पुट करके कैलकुलेशन करें, तो इससे बेटर है कि आप कंपेयर कर लो। अब कंपेयर, एक वैल्यू तो निकल गई, अब दो चीज़ें कंपेयर कर लो, कोई सी भी, कंपेयर द कोफिशियंट ऑफ, एक एक्स स्क्वायर कर लेते हैं और एक एक्स कर लेते हैं, किसी को भी कर सकते हो, कॉन्स्टेंट वाला भी कर सकते हो, कोई दो कर लो क्योंकि आपके पास दो वेरिएबल रह गए। अब एक्स स्क्वायर देखोगे यहाँ तो है ही नहीं कहीं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर कहीं नहीं है, तो यहाँ से आ जाएगा जीरो। यहाँ से एक्स स्क्वायर कब आएगा, जब आप ए से मल्टीप्लाई करोगे तो ए एक्स स्क्वायर बना, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट यहाँ से आ गया ए। इन दोनों ब्रैकेट को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो बी एक्स को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करने पर ये बनेगा, तो इसका कोफिशियंट आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर का माइनस बी। अब ए की वैल्यू आपके पास क्या है, वन है, ए की वैल्यू वन पुट करो यहाँ पर, जीरो इक्वल्स टू वन माइनस बी, तो b की वैल्यू भी आपके पास क्या आ जाएगी, 1 आ गई, a भी निकल गया b भी निकल गया। अब x का कोफिशियंट कंपेयर करते हैं, x का कोफिशियंट इधर से है 2, इन ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करोगे यहाँ से तो x आएगा ही नहीं, यहाँ से x कब आएगा, जब आप bx को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 2 bx, और c को x से मल्टीप्लाई करोगे माइनस cx,
तो एक्स का कोफिशियंट आपको बताना है, तो यहाँ से टू बी आ गया, यहाँ से माइनस सी आ गया। बी की वैल्यू आपके पास वन थी, इसको यहाँ पर पुट कर दो, सी को इधर लाओगे तो सी की वैल्यू जीरो आ जाएगी। तो ए निकल गया, बी निकल गया, सी की वैल्यू जीरो आ गई, ये सारी वैल्यूज आप यहाँ पर पुट करो, तो इंटीग्रेशन हमारा क्या बन गया, ए अपॉन में टू माइनस एक्स, ए की वैल्यू थी वन, और बी एक्स प्लस सी, बी की वैल्यू भी है वन, और इन टू में एक्स, सी की वैल्यू है ज़ीरो डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस थ्री। ये इंटीग्रेशन बन गया आपके पास। अब इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे, इसको सिंप्लीफाई करने का क्या तरीका रहेगा, अलग अलग कर लो पहले, तो ये आ जाएगा वन अपॉन में टू माइनस एक्स डी एक्स, यहाँ से रहेगा आपके पास एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस थ्री इन टू में डी एक्स। अब नीचे वाले का अगर आप इंटीग्रेशन करते हो तो सॉरी डेरिवेटिव करते हो नीचे वाले का, एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऊपर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर डेरिवेटिव है माइनस वन, ऊपर सिर्फ वन आ रहा है, तो वन को आप माइनस वन में कन्वर्ट तो कर सकते हो ना, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ये माइनस वन कर दिया और इसको माइनस साइन से बाहर बैलेंस कर दिया, ऐसे लिख सकते हैं। इसका डेरिवेटिव आएगा टू एक्स, ऊपर खाली एक्स है तो उसको भी बैलेंस कर दो, टू से मल्टीप्लाई कर दो, टू से डिवाइड कर दो। अब दोनों पार्ट में नीचे का डेरिवेटिव आपका ऊपर बन गया है, यानी दोनों आंसर आपके लॉग में आ गए, माइनस लॉग टू माइनस एक्स वन बाय टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस थ्री प्लस सी, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चन है पार्सल फ्रैक्शन में, इस तरह से हम परफॉर्म करेंगे। अब इसके अलावा आपको कुछ स्पेशल इंटीग्रल और बता रहा हूँ, स्पेशल इंटीग्रल को हम समझेंगे लेकिन उनको हम फिर डायरेक्टली अप्रोच करेंगे। अब डायरेक्टली अप्रोच करने के लिए पहले उनको समझना ज़रूरी है कि वो क्या क्या इंटीग्रल है। तो बच्चों दो स्पेशल इंटीग्रल ये हैं, इसको इनका जो फार्मूला होता है डायरेक्ट, ये फार्मूला इसका होता है, मतलब अगर आपके पास इस फॉर्मेट में आ गया तो आपको कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, आपको सीधा आंसर अपना देखना है, ठीक है। ऐसे अगर इस फॉर्मेट में आ गया तो आपको अपना आंसर ऐसे लिखना है। लेकिन ये फार्मूले आए कैसे हैं उसको हम समझते हैं, क्योंकि ये भी पार्शल फ्रैक्शन का ही एक पार्ट है। तो यहाँ पर अब देखो आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, जो इंटीग्रेशन है हमारा ये आ गया वन अपॉन में एक्स माइनस ए इन टू में एक्स प्लस ए, इसको फैक्टर कर सकते हैं। तो आपके पास दो लीनियर फैक्टर आ गए जो कि रिपीटेड नहीं है। तो इसको जब आप पुट करोगे, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। अब हम इसको पुट कर दें वन अपॉन में एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए इज इक्वल्स टू ए अपॉन में एक्स माइनस ए बी अपॉन में एक्स प्लस ए। फिर इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, एलसीएम लेंगे तो इधर से तो वन रह जाएगा, उधर से ए इंटू में एक्स प्लस ए आ जाएगा, बी इंटू में एक्स माइनस ए आ जाएगा, डिनोमिनेटर दोनों का कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर मैं एक्स की जगह पुट कर दूँ, एक्स की जगह माइनस ए पुट कर देता हूँ तो ये ज़ीरो हो जाएगा। तो ये क्या बन गया, वन इक्वल्स टू में ज़ीरो, एक्स की जगह माइनस ए माइनस ए माइनस टू ए, तो बी की वैल्यू क्या बन गई आपके पास, माइनस वन अपॉन टू ए। अगर मैं एक्स की जगह पुट कर दूँ ए, तो यहाँ पर ये आ जाएगा टू ए और इंटू में कैपिटल ए, और ये आ जाएगा ज़ीरो, तो यहाँ से कैपिटल ए की वैल्यू आ जाएगी वन बाई टू ए। दोनों की वैल्यू निकल गई, दोनों की वैल्यू आप यहाँ पर पुट करोगे तो इंटीग्रेशन आपका क्या आ जाएगा, ए अपॉन में एक्स माइनस ए, ए की वैल्यू है वन अपॉन टू ए अपॉन में एक्स माइनस ए, बी की वैल्यू है माइनस वन अपॉन टू ए अपॉन में एक्स प्लस ए। दोनों को अलग अलग करा हमने, वन बाई टू, वन बाई टू ए देखो दोनों में कॉमन है तो उसको तो मैं बाहर ही निकाल देता हूँ कम्प्लीटली। अब यहाँ से क्या बच गया, वन अपॉन में एक्स माइनस ए, यहाँ माइनस साइन भी है, वन अपॉन एक्स प्लस ए, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो लॉग में आ गया, लॉग एक्स माइनस ए माइनस लॉग एक्स प्लस ए। अब यहाँ पर लॉग की जो प्रॉपर्टी है होती है उसके हिसाब से अगर दोनों को आप कंबाइंड कर दो, कंबाइंड करने पर आपके पास क्या बन जाएगा आंसर, वन बाय टू ए लॉग एक्स माइनस ए, ये क्योंकि माइनस में है तो लॉग में जो माइनस में होती है टर्म वो डिनोमिनेटर में चली जाती है, एक्स प्लस ए प्लस सी। इस तरह से आपके पास ये फार्मूला डिराइव हो जाता है, ठीक है। आपको फार्मूला अगर क्वेश्चन ये आ गया कि इसको आपको प्रूव करना है कि इसके बराबर है तो ये पूरा करना है, अदरवाइज क्वेश्चन आ गया तो सीधा आपको फार्मूला अप्लाई करना है। ऐसे यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो सेम काम यहाँ भी आप करोगे। अब यहाँ भी आप काम करोगे, बिल्कुल इसी तरीके से प्रोसीड करना है,
तो वो आप खुद करके देखना, खुद करने के बाद जब आप देखोगे तो आपके पास ये वाला आंसर आपका आ जाएगा। यहाँ पर भी ए की वैल्यू 1/2a, बी की वैल्यू -1/2a ऐसे ही निकलेगी। ए की वैल्यू माइनस आ जाएगी, इसकी वैल्यू प्लस आ जाएगी। आप करके देखोगे तो और आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या आपकी वैल्यू आएंगी। सेम इसी तरीके से 1/2a कॉमन निकाल देना, लॉग को इकट्ठा कर देना, आंसर आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो इस वीडियो में हमने जितने भी पार्शियल फ्रैक्शन की प्रॉपर्टीज़ थी, जो भी क्वेश्चंस थे, उनको समझा किस तरह से आपको करना है। नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज हम करेंगे, जिसमें इसके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो हम इसमें आप समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले आप इसकी प्रैक्टिस अच्छी तरह कर लेंगे ताकि आपको अगले वीडियो में कोई भी दिक्कत ना आए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।